मूली और मूली के पत्तों की रोटी बनाने वाले हैं, जिससे मैंने ये मूली के पत्तों को काट कर धोकर अच्छे से रख लिया है। अब इन मूली के पत्तों को हम इस बाउल में डालेंगे। और एक कटोरी, दो मूली के पत्ते लिए हैं मैंने, उसमें जिसमें एक बाउल आटा डाला है और कस करके एक मूली डाली है, एक मूली को कस कर लिया मैंने, और साथ में थोड़ा सा अदरक टेस्ट के लिए और हरी मिर्च थोड़ा सा जायके के लिए डाल दिए। और इसके साथ अब हम इसमें नमक, नमक टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा सौंठ पाउडर, अजवाइन ज़रूर डालें क्योंकि ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, और थोड़ी सी हींग। इन सबको मिलाकर अब हम एक सॉफ्ट आटा बना लेंगे। पानी अभी पहले मत मिलाएं, अगर ज़रूरत होगी तो हम बाद में मिला लेंगे। पहले इसको अच्छे से हाथ से मसल लें और थोड़ा सा एक चम्मच बीच में घी डाल दें। अब हमारा ये सारा मिश्रण बन गया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा थोड़ा ही मिलाएं। बिल्कुल सॉफ्ट आटा रोटी जैसे बना ले। आटे को अच्छी तरह से मसल लें जिससे कि रोटी बहुत अच्छी सॉफ्ट बनेगी। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दें। अब ये हमारा सॉफ्ट आटा रोटी के लिए बनाने के लिए तैयार है, परांठा बनाने के लिए तैयार है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे थोड़ा सा हाथ से घी लगा के ढक के रख देंगे। 15-20 मिनट आटे को रेस्ट आने देंगे, फिर उसके बाद हम इसका परांठा बनाएंगे। अब आटे को रेस्ट किए हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको लोई में बनाएंगे और फिर परांठा बनाएंगे। ऐसे ऐसे लोई बनाकर थोड़ा सा प्लेथन लगा के, आटा लगाकर, सूखा आटा लगाकर ऐसे रोटी बेल लें।
गैस तवा गर्म हो चुका है। अब ये रोटी सिकने पे आ गई है, अब हम इसको घी के साथ सेकेंगे। दोनों तरफ अच्छे से घी लगाएंगे। कुरकुरा सेक लेंगे। हमारी ये रोटी बनकर तैयार है प्लेटिंग के लिए। अब ये परांठा सर्व करने के लिए तैयार है। इसको आप दही के साथ एंजॉय कीजिए।